गुरुदेव प्रणाम, मैं सतीश जाटपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सतीश शांत और निशांत तुम्हें का दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा, निशांत के दोस्त सतीश बोल रहे हैं। जी 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 बोल रहे जी। सतीश जी बताइए तारीख समांतर। गुरुदेव मेरे को साल तो माँ बाप को याद नहीं है मेरे, लेकिन समय मेरे को मालूम है। नहीं तो क्या क्या मालूम नहीं बताइए। मेरा 1988 है, 1989 है, मेरे को ये नहीं मालूम 2/2/1988 है या 2/2/1989 है। टाइम सुबह 5 बजे। वैसे आपको क्या लगता है 1988 है? हाँ हो सकता है। टाइम क्या है? सुबह 5 बजे। अब भी क्लियर हो जाएगा। कहाँ का जन्म है? जाजपुर का। पूरा नाम क्या लिखते हैं? सतीश कुमार राम। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुदेव। आपकी कुंडली यदि सही है तो 2014 से 2017 के बीच आप बहुत ज्यादा परेशान थे, सही है कि गलत? जी जी गुरुदेव। आपकी कुंडली अगर सही है तो गले में उल्टे तरफ एक तिल मसेदाब का निशान जरूर होगा, सही है या गलत? मुझे क्या बोले? आपके गले में कान से लेकर कंधे तक उल्टे हाथ का एक तिल मसेदाब का निशान होगा। जी गुरुदेव छोटा सा है। कुंडली अगर सही है तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी स्थिरता नहीं है, सही है कि गलत? सही है गुरुदेव। कुंडली अगर सही है तो हमेशा धन का बिखराव बिखराव बर्बादी बर्बादी ही दिखती है, सही है कि गलत? जी गुरुदेव। कुंडली सही, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं इतना गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं पा रहा। गवर्नमेंट क्या चाह रहे हैं, कौन से पद के लिए? मैं अभी बाल का भी दिया हूँ, मैं रेलवे का भी दिया है। तो बड़ा कठिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मैं क्या करूँ कि ऐसा मैं हो जाए? देखिए कुंडली ये बताती कि आप बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आप अपने परिवार के लिए और अपनों को संपन्न बनाने के लिए आप युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, शुरू से जागरूक हैं, ना पैसे की बर्बादी करते हैं, ना फालतू घूमते हैं, ना फालतू समय खराब करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, सही है? सही है बिल्कुल। चिंता न करिए, संघर्ष होगा लेकिन धन बाद में अच्छा मिलेगा, परंतु वर्तमान समय तो ठीक नहीं है। गुरुदेव मेरा सरकारी नौकरी लगी नहीं कि नहीं गुरुदेव? यार मेरे ख्याल से चांस बहुत कम उत्तम है। तुम्हें किस सेक्टर में गुरुदेव काम करूं कि मैं सफलता पा जाऊं? आप केमिकल केमिकल से रिलेटेड कोई काम कर लीजिए। किसके गुरुदेव? केमिकल 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 रिलेटेड। मैं गुरुदेव कॉस्मेटिक का काम कर रहा था गुरुदेव। हाँ तो वो काम आपका ठीक चलना चाहिए, कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स का काम तो ठीक चलेगा, उसमें केमिकल तो है ही। जी जी गुरुदेव। मतलब यही महिलाओं का दीपक पोती वाला जो चाहे वो चेहरे में लगाते हैं वो ही ना? हाँ हाँ गुरुदेव। ये तो बढ़िया चलेगा, आपका कोई तकलीफ नहीं। और महिलाओं का तो ऐसा है कि भाई जो चाहिए है तो चाहिए है, पर पति देव कहीं से ला के दे, पति की टेंशन है, लेकिन वो चेहरे पर पत्नी की टेंशन नहीं आना चाहिए। वो तो मेकअप का मामला है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता भाई। जी गुरुदेव। और पति भी कहता है कौन तमाशा करे, तुम्हें जो चाहिए लो खरीदो, जो लगाना चेहरे में लगाओ, झंझट कटाए कि नहीं? जी जी गुरुदेव। ये घर घर की कहानी है। हाँ जी जी ये बात सही है। तो ये काम ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, करना चाहिए, नहीं किया? किया था गुरुदेव, एग्जाम एग्जाम आना तो भी बंद कर दिया, फिर मम्मी का भी डेथ हो गया बीच में, तो इसी वजह से बंद कर दिया। मम्मी को पेट में तकलीफ हुई थी या कैंसर वगैरह क्या हो गया था? मम्मी को कोरोना हो गया था गुरुदेव। हाँ तो फिर सही होना चाहिए। जी जी ठीक है। तो उसकी वजह से नहीं कर पाया मैं, तो यही करूँगा गुरुदेव मैं। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। और गुरुदेव मेरा जीवन कैसा रहेगा गुरुदेव? जीवन यहाँ कैसा है? जीवन ठीक है, थोड़ा तो संघर्ष के साथ है, परंतु जीवन अच्छा रहेगा, सम्मान के साथ रहेगा, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं। जी गुरुदेव। और जिस मनुष्य के विचार बुद्धि श्रेष्ठ है तो उसको दुख की कोई बात ही नहीं, सुखी रहेगा। जी गुरुदेव। सारा खेल विचारों का, जैसी आपकी सोच होगी वैसा परिणाम होगा। जी जी जी। तो सोच आपकी अच्छी, इसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि
आपके जितने मित्र होंगे, जितने करीबी लोग होंगे जी, वो आपको अंकल कहते होंगे, अंकल। हाँ बोलते हैं। उसका क्यों क्यों बोलते, उसका कारण बता रहे हैं जी, कि आपके आपके मित्र आपको अंकल बोलते होंगे, कुंडली बताती है, क्योंकि आपके विचार बहुत बहुत पुराने ख्याल के। सही है, इसलिए आपको ऐसा बोला जाता है। तो मतलब आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे विचार हैं तो सुख शांति निश्चित है। क्या नाम बताया? सतीश कुमार राम। हाँ, तो और क्या जानना चाहते हैं? जीवन यापन कैसा करेगा आगे, फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर तो ठीक है, चिंता ना करें। चिंता न करें, अच्छा है। और आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? इसको शेयर करिए और निशांत को धन्यवाद दे दीजिए। निशांत बहुत मेहनत कर रहा है भाई, है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, मेहनत बहुत कर रहा है। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए कुंडली बता देती है कि आपको किस नाम से पुकारा जाएगा, यानी आपको किस नाम से विभूषित किया जाएगा। लोग बच्चे को आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं, और बच्चा आतंकवादी बनता है, उपद्रवी बनता है, सामाजिक तत्व बनता है, ये उसकी कुंडली बताती है। और बड़े बड़े अपराधी और उपद्रवियों के यहाँ बच्चे जन्म लेकर भगवान के भक्त, बहुत आदर्श व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति बनते हैं, समाज में कीर्तिमान, एक नाम स्थापित करते हैं। यह कुंडली कराती है, भाग्य कराता है, और कुंडली से संकेत मिलते हैं, कुंडली से ही परिणाम होते हैं। आपने देखा सतीश कुमार राम को हमने बताया, लोग आपके मित्र परिचित लोग आपको अंकल पुकारते है ना, बड़ी निराली बात है ना, बड़ी विलक्षण बात कि नल लड़का नया 1988 का जन्म है, कोई बड़ी उम्र नहीं है। आज 30-35 साल 21 साल की उम्र में लोग इनको अंकल कहकर पुकार रहे, इन्हीं के साथ ही लोग, और ये इनकी कुंडली बता रहे है, तो विलक्षण बात समझने की जरूरत है। ज्योतिष का ज्ञान ऐसा होना चाहिए, यह भगवान की कृपा से होता है।